अभी इस वक्त हूँ मैं जयपुर के 22 गोदाम पर स्थित कच्ची बस्ती में, जहाँ आप देखोगे मेरे पीछे है वो बच्चे हैं, बड़े खुशी से लाइनों में लगे हुए और उनके इंतज़ार कर रहे हैं खाने के लिए, क्योंकि उनके लिए जो रॉबिनहुड आर्मी है जयपुर की, वो खाना लेने के लिए लेके आई है। क्योंकि रॉबिनहुड आर्मी का काम यही है, लोगों की मदद करना। आपको किसी भी चीज़ की मदद है, हेल्प की ज़रूरत है, आप एक फ़ोन कर लिए, रॉबिनहुड आर्मी आपके जगह पर हाजिर होगा। तो जो बचा हुआ खाना है मेरे जॉब में, पार्टियों में, शादियों में या होटलों में, उस खाने तक को रॉबिनहुड आर्मी पहुँचाती है उन ज़रूरतमंद लोगों के पास, उन गरीब लोगों के पास, जिससे वो खाना काम भी आए और लोगों की मदद भी हो। तो ऐसा ही कुछ उनका प्रोसेस है रॉबिनहुड आर्मी का, लोगों की मदद करती है, खाना खिलाती है और उस खाने को पूरी तरह हाइजीन तरीके से पैकिंग करके और लोहा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाती है। तो हमारे साथ कुछ रॉबिनहुड आर्मी के लोग भी, हम जानेंगे किस तरह उनका प्रोसेस है, किस तरह वो लोगों से जुड़े हुए हैं और कौन कौन उनकी वॉलंटियर है, कौन कौन उनकी टीम में शामिल है और वो किस तरह निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं। हाँ सर, आज खाने में क्या क्या है? आलू की सब्जी, पूरी और हलवा और बिस्किट हैं, चॉकलेट्स हैं। इन चेहरों पे आप खुशी देख सकते हो, कितनी ज़्यादा खुशी है क्योंकि ये खाने के इंतज़ार में है। तो हलवा है आज की जो मेन्यू में, इनको हलवा, पूरी, सब्जी, बिस्किट और कुछ चॉकलेट भी। क्या क्या मिला है आपको, क्या क्या मिला है? हलवा, पूरी, सब्जी और चॉकलेट। अच्छा, आपको क्या क्या मिला है? चॉकलेट, पूरी, हलवा। वाह, और हमारे साथ है कुछ वॉलंटियर, कुछ टीम भी जो लोग बच्चों को है वो खाना वितरण कर रहे हैं, चॉकलेट वितरण कर रहे हैं, हम उनसे भी मिलाएंगे आपको। कुछ रिलायंस टीम है, आइए सर। सर नमस्कार जी, आप किस टीम से हो? मैं रिलायंस SLP टीम से। अच्छा, आज आप क्या बांट रहे हो बच्चों? हम आज बिस्किट एंड चॉकलेट एंड टेट्रा पैक्स लाए हैं, जूस। अच्छा, जूसेस। जी हाँ। तो बहुत ही सराहनीय काम है आपका। हम फोर्टनाइटली, मंथली बेसिस पे आते रहते हैं। अच्छा, करते रहते हैं। एक्चुअली में रिलायंस कंपनी में एक कस्टमर CC एक्टिविटी होती है, जिसमें कस्टमर्स, कम्युनिटी और एसोसिएट से रिलेटेड। तो कम्युनिटी के लिए भी रिलायंस सोशल एक्टिविटी करता रहता है स्टोर लेवल के ऊपर। तो अपने जयपुर में जितने भी स्मार्ट बाजार्स हैं उनमें ये एक्टिविटीयां हो रही हैं। अच्छा, तो इसमें हम स्मार्ट बाजार से हैं एक्चुअली। अच्छा, तो आज आप 22 गोदाम? आज हम पहले भी हमने की है, अब आपका सहयोग रहा है तो हम आए हैं। बहुत बढ़िया है कि आप इस तरह कर रहे हो। इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें सारा रिलायंस का ही है, हमारे स्टोर में जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट हैं, उनका भी सहयोग है, हमारी टीम का भी सहयोग है। तो आपस में सब कस्टमर्स और जो हमारे जो यानी जो भी देना चाहे, कंट्रीब्यूट करना चाहे, जो नहीं आ सकते वो आ सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो नहीं आ सकते वो मदद कर सकते। तो हम बीच में मैसेंजर है एक तरीके से, जो कस्टमर्स से और हमारे एसोसिएट्स मिलके जो एक्टिविटी करते हैं वो सारा सब कुछ यहाँ पर है। तो बहुत सराहनीय है क्योंकि आज बिस्कुट है, चॉकलेट है और सर आप भी साथ में टीम के। जी जी। तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह लोगों की मदद की जाती है। जी सर, गरीबों की कुछ मदद हो जाए अच्छी बात है, लोगों को सोचना चाहिए और मदद करनी चाहिए। क्योंकि हम रोजमर्रा के कामों के लिए, अपने कामों के लिए तो दिन भर भाग दौड़ करते ही है, लेकिन कुछ समय समाज के नाम, देश के नाम, लोगों के नाम निकाले तो वो बहुत जी 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 थैंक यू। बहुत ही सराहनीय काम है, रिलायंस टीम के द्वारा आज किया जा रहा है, लोगों को चॉकलेट बिस्किट वहाँ वितरण किए जा रहे हैं बच्चों को, और बच्चों के चेहरे पे भी खुशी है, वो लाजवाब है। और हमारे साथ है कुछ रॉबिनहुड आर्मी टीम के मेंबर, हम उनसे भी जानेंगे किस तरह उनका काम है, किस तरह वो लोगों से कनेक्ट होते हैं और घर घर पहुँचते हैं। सर नमस्कार भैया। नमस्कार, आपका? मेरा नाम नमन है। अच्छा, किस तरह आपकी टीम है, आपकी टीम के बारे में बताइए। हाँ, रॉबिनहुड आर्मी एक जीरो फंड वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हम कहीं से भी पैसे नहीं लेते, हम सिर्फ वॉलंटियरिंग और अपना समय देके कम्युनिटी को सर्व करते हैं। हमारा मोटिव यही है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों को सर्व कर पाएँ, और जिसमें पैसे का कहीं भी लेन देन नहीं होता। हम कोई गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, हमारे कोई ऑफिसेज नहीं है, हमारे कोई एम्प्लॉयज़ नहीं है, हम सब वॉलंटियर्स हैं। अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में से थोड़ा थोड़ा समय निकाल के हम रॉबिनहुड आर्मी को देते हैं। तो हमारा यही मोटिव है कि हफ्ते में कम से कम 2 से 3 घंटे हम टूवर्ड्स कम्युनिटी दे। तो आज जैसे मैं ऑफिस के बाद फ्री हुआ 6 बजे, 6:30 बजे इधर आ गए हम, ये सब ऑफिस से आ रहे, कोई कॉलेज में है, कोई स्कूल में, तो ऐसे ही सारे वॉलंटियर जुड़े हैं और ऐसे करके हम कम्युनिटी हेल्प करते हैं।
सर आपका नाम? निखिल सिंह। अच्छा, कोई चार्जेस लिए जाते हैं कुछ ऐसा कुछ? नहीं, किसी तरह के चार्जेस नहीं है। सबसे अच्छी बात यही है, जीरो फंड, जिसको सेवा करनी है वो आओ, निस्वार्थ भाव से सेवा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके टाइम है, लोगों के सेवा करने का जब्जा है, नहीं वो तो लोगों से मन पे डिपेंड करता है कि आप समय निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो। अच्छा अच्छा। टाइम तो किसी के पास नहीं है। क्योंकि आज भाग दौड़ भरी लाइफ है, सख्त बिजी भी है और नहीं भी है। जी तो डिपेंड करता है कि आप क्या, कुछ समय निकालना चाहिए। अच्छा, मानव सेवार्थ के लिए, अपने लिए तो सख्त भाग चाहिए, लोगों की सेवा, गरीब की सेवा ही कहते हैं, तीन हरी की सेवा है। जी बिल्कुल। आप जो काम कर रहे हैं बहुत नेक काम है। बिल्कुल। जी मैडम, आपका नाम? मेरा नाम तुलिका शर्मा है। अच्छा, आप भी इस टीम से जुड़े हुए हो? हाँ, मैं इसी टीम से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, वैसे आप क्या करते हो? मैं एक साइकोलॉजिकल काउंसलर हूँ हॉस्पिटल और स्कूल के अंदर। अच्छा, हॉस्पिटल और के। तो कैसा लगता है जब आप लोगों से जुड़ते हो, लोगों तक खाना पहुँचाते हो, हेल्प करते हो, तो वो क्या खुशी मिलती है? जब आप किसी के चेहरे पे हंसी पहुंचाओ अपने काम के जरिए, तो उस खुशी का आनंद अलग ही होता है। तो बेसिक क्या होता है, हम क्या ज़्यादा क्या दे सकते हैं, एक खाना, घर उन्होंने अपने आप के लिए कर रखा, उन्होंने अपने लिए एक सपने जोड़ रखे हैं, तो अगर उसमें हम छोटा सा एक एफर्ट्स हम सब मिलके, हमारी पूरी रॉबिनहुड आर्मी मिलके करती है, तो वो उनके वेलफेयर के लिए जाता है। और इसमें हम कोई फंड नहीं लेते हैं, तो हमने ऐसा कुछ हमारे लिए कोई फाइनेंशियल मोटिव इसके पीछे नहीं सोच रखा है कि हम इसलिए आना चाहते हैं सोशल सर्विस में, कोई पॉलिटिकल या कि हमें आगे पद लेना है कुछ इस तरह का सोच के साथ, कोई राजनीतिक आर्थिक सहयोग उस सोच के साथ आप काम नहीं, नहीं ऐसा कोई पर्सनल अदर देन वेलफेयर बेनिफिट हम कोई इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे काम नहीं कर रहे हैं कि हम अपना कोई मकसद पूरा कर रहे हैं। अच्छा, हम सिर्फ लोगों तक एक जरिया पहुंच रहे हैं कि सोशल सर्विस को फैलाएं बिना किसी कोई फंड। अच्छा, कहां कहां तक ये आपकी टीम जुड़ी हुई है? सिर्फ जयपुर में या? रॉबिन हुड आर्मी पूरा ऑल इंडिया लेवल पे वर्क करता है, इसके हर एरियाज में, हर स्टेट्स में चैप्टर्स बने हुए हैं। तो हम इस एरिया के हैं, तो अभी हम इस एरिया के, बाकी रॉबिन हुड आर्मी पूरा एक इंडिविजुअल नेशनल लेवल। थी हमारे साथ रॉबिन टीम, जो लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करती है, मदद करती है और लोगों तक पहुंचती है, तो बहुत ही नेक काम कार्य है इनका, लोगों के चेहरे पर खुशी लाना और लोगों से जुड़ना। तो मैं धनराज योगी, DNY बर्ड, जयपुर।